जी हाँ, बहुत सारे लोग इस थर्मोस्टेट बल्ब को निकाल देते हैं। तो आज चूंकि मेरे भी गाड़ी में निकला हुआ था, इसका क्या काम होता है, ये आपकी गाड़ी के टेम्परेचर, जिस पे ये गाड़ी बहुत अच्छा काम करे उस टेम्परेचर को ये लाने में मदद करता है। ये मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि कैसे इसे टेस्ट करते हैं, तो वो मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ये क्लैंप्स खोलने के लिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए फ्लैट, और दूसरा 12 नंबर की आपके पास चाबी होनी चाहिए जिनसे आप इनको और इसको खोल सकते हैं। इस थोड़ा सा साइड में करना पड़ता है। तो इन क्लैंप्स को खोलने के लिए भी आप फ्लैट का यूज करेंगे, और ये जो चार नट आपके लगे हुए हैं, एक ये, इनको खोलने के लिए आपको 10 नंबर की टमी की जरूरत पड़ेगी। जो मार्केट में थर्मोस्टेट बाल्ब आ रहे हैं वो एक्चुअल में मैंने सर्च किया था तो वो 84 और 85 डिग्री का आ रहा है, जबकि हमारी M2 DSR में 82 का लगता है। तो एक तो हमारे यहाँ पे मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने इसको चेक आउट कर लिया है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो दे चुका हूँ। तो ये सही ढंग से काम कर रहा है, और जो ग्रेड है 15W40 है, और इस ग्रेड का आलोक को 85 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम ये थर्मोस्टेट बल्ब इसमें लगाना चाहेंगे। और इसी के लगने से आपका हीटर काम करेगा, नहीं तो आपका हीटर काम नहीं करेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा आपका रेडिएटर चोक तो नहीं है। अगर आपका रेडिएटर हल्का फुल्का भी चोक होगा तो आपकी गाड़ी हीटिंग करने लगेगी। और फिर से मैं बोलता हूँ, जब भी आपकी गाड़ी में ये लगाओ, चाहे वो आपकी नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी हो, आपको इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर बस देखना है। जब भी आप इसको लगाएंगे, अगर आपके पास इसकी पैकिंग है तो बढ़िया बात है, नहीं है पैकिंग तो आप इस टाइप के रेजिन बॉन्ड का यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके कूलेंट को निकालना है। तो कूलेंट निकालने के लिए आपको नीचे पे एक कैप दिखेगी, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक कैप है, उसे आपको खोलना है। उसे खोलने पे आपका हल्का सा कूलेंट बाहर निकल जाएगा, फिर हम इसे खोलने की प्रोसीजर करेंगे। खोलना कैसे है, सबसे पहले आपको इन नट को खोल लेना है और इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है, और साथ में ये वायरिंग का एक आपका यहाँ पे ये देखिए ये लगा रहे हैं, तो आपको प्लास से इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे ना तो ये निकल आएगा। यहाँ पे क्या है ना कि निकालने में दिक्कत रहती है। आपके पास अगर ये पतला वाला 10 नंबर का है जो 3 इंच आता है, तो आपको ये सब खोलने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको खोलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको अलग से थोड़ा सा ज़्यादा खोला है। और हाँ, EGR क्लीनिंग के लिए बात करें तो ये देखो यार, बहुत ज़्यादा कालापन जा रहा है। चलिए, कभी भी EGR की क्लीनिंग जल्द से जल्द होगी, आपको मैं दिखाऊंगा, शो करूंगा। टप यहाँ पे नीचे लगा दिया है कि आपका कूलेंट नीचे गिरने लगा। ये देखिए, इसकी कैप है, तो अभी इसको जैसे ही हम ऊपर वाला खोलेंगे, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, तो इसकी स्पीड हल्की सी बढ़ जाएगी। ये आपका काम हो गया, अभी आप इसको लगा देना है। आपको हैंड टाइट ही करें, ज़्यादा बहुत टाइट ना करें। खोलने से पहले आपको इस क्लैंप को खोलना है, तो सबसे पहले इस क्लैंप को खोल लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल ढीला हो चुका है, अभी इसको खोलने की बारी है। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी गाड़ी गर्म हो ये प्रोसीजर आपको नहीं करना है। तो ये देखिए, दोनों नट खुल गए हैं मेरे, एक ये भी खुल गया, और जिधर पे जो नट लगेगा उधर से आपको इसकी सीरीजिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी कोई सा भी लगा देना है। ये देखिए, हमारा ये निकला है, कितना ज़्यादा बॉन्ड लगा है, आप ध्यान से देखोगे बहुत ज़्यादा। तो इसको अभी मेरे को साफ करना है, और साथ में ये देखो आप, ये भी बॉन्ड है, और आप ध्यान से देखोगे तो इधर पे एक पाइप जाती है, इधर पे भी। ये तो ये अपने उसके लिए है, हीटर कोर के लिए। तो जब भी अभी इसको मेरे को सब कुछ निकालना भी है, तो मैं क्या करूँगा, किसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कपड़ा डाल दूंगा जिससे ये रेजिंस इसके अंदर ना जाए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए, परफेक्ट फिट है, देखो कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो पहले आपको इसको भी निकाल देना है, और देखिए ये मैंने क्लीन कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, और ये भी क्लीन है। अब इसमें हमें, क्योंकि मेरे पास पैकिंग नहीं है, तो अपन रेजिन बॉन्ड लगाएंगे, और उससे पहले अपन को क्या करना है कि जो कूलेंट है ना वो अपन को भर देना है, जिससे कि एयर ना ले गाड़ी, नहीं तो एयर ले लेगी तो फिर दिक्कत है। कूलेंट को अपन छान लेते हैं, और कूलेंट भाई साहब बहुत गंदा है। ये तो जो कचड़ा आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में अभी जब मैंने ये क्लियर किया था तब का कचड़ा है, पर अगर ध्यान से देखेंगे, अभी मैं इसको छानूंगा तो देखेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा कचड़ा है। तो इस बाल्टी में मैं छान लूँगा,
जिससे अपन को भरने में दिक्कत ना हो। तो आप ऐसा ही पतला कपड़ा हो उसको दो परत का, नहीं चाहे वो सिल्कन का ही हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। देखो तो आप कचरा, इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी निकली है तो अपन कचरे को साफ कर लिए हैं और ये अपना कूलेंट निकल आया है। तो अभी इसको क्या करेंगे कि उसमें भरना स्टार्ट करेंगे। श्योर कीजिएगा कि नीचे वाला जो है कैप है वो बंद होना चाहिए। भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको लगा दिया है जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये अपना फुल भर चुका है, वो स्टेट लगा के देखते हैं जितना पानी होगा वो निकल जाएगा। हाँ जी निकल गया है। अभी क्या है कि आपको लेना है किसी भी प्रकार का माइक्रोफाइबर टॉवल। माइक्रोफाइबर टॉवल आप लेने से प्रॉफिट ये होगा कि जो कचरा है वो साफ हो जाएगा, फिर हम इसमें गम रेजिन बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये काम करने लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है क्योंकि हमारे पास सीलेंट नहीं है, मतलब सॉरी पैकिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना हो सके आप लगा दे चारों तरफ, एक पतली फिल्म की तरह लगाइएगा, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं कि ऐसा लगे कि बाद में ये कहीं दिक्कत ना करे। सेकंड आप इसकी बारी है, अभी लगाने के प्रोसीजर करते हैं। काफी अच्छा बॉन्ड लग चुका है और वो अपनी जगह पे भी है, तो अभी नट लगाने की कोशिश करते हैं। लगाने की कोशिश करते हैं, आपको इसको बहुत ध्यान से लगाना है कि थ्रेड्स में ओवर प्रेशर ना पड़े। और ये गम को आपको सुखाने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा, तो बिल्कुल ये क्लियर रखें कि जब भी आपको गाड़ी का थर्मोस्टेट का काम कराना हो तो आप कम से कम 5-6 घंटे गाड़ी खड़ी कर दें। आपको जितने भी नट हैं वो जिग जैग में टाइट करना है, मतलब एक इधर तो फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। तो ये हल्का सा टाइट किया, फिर इधर पे आए अपन, इसको हल्का सा टाइट किया, फिर उसके बाद अपन इधर आए तो इसको हल्का सा टाइट किया, और फिर इधर आए तो इस वाले को अपन हल्का सा टाइट करेंगे। इस वाले में जगह जाने की बहुत कम, अब टाइट कर सकते हैं आप फुल। ये एल्युमिनियम का होता है, आपको इसको ओवर टाइट नहीं करना है, बिल्कुल भी ओवर टाइट नहीं करना है। ओवर टाइट नहीं करना है, भले हल्का सा अगर लीकेज हो जाए तो बाद में आप टाइट कर लो, जबरदस्ती का आपको टाइट नहीं करना है। अपना ये काम हो चुका है, अभी होस क्लैंप को जोड़ने की बारी है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आपका होस क्लैंप लग चुका है, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है। अब आप अपने हिसाब से टाइट कर दे, बहुत टाइट नहीं करना है कि ये टूट जाए। और हाँ बॉन्ड जो है आपको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, तुरंत गाड़ी आपको नहीं स्टार्ट करनी है। और जो बचा हुआ कूलेंट है आप सीधे रेडिएटर में डाल दें, जितना आपको समझ में आए, फुल रेडिएटर आपको नहीं भरना है, जितना आपको समझ में आए उतना भर दें आप। ध्यान से देखें, ये दोनों नट कस गए, ये भी कस गया, ये भी क्लैंप कस गया, ये भी कस गया, ये भी कस गया। और हाँ जो अपन ने पहले निकाला था वो क्लैंप यहाँ पे, वायरिंग ठीक है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, ये टूट गया है हीट के कारण, तो ये अपन कभी भी बना लेंगे, ऐसा कोई सच बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कीजिएगा कि ये क्लैंप सही ढंग से आप लगाएं, कभी कभी क्लैंप आगे पीछे हो जाते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। बचा थोड़ा बहुत जो कूलेंट है वो अपन इसमें फिलअप कर देते हैं, इसमें कचरा है तो इसको बस। लगभग काम हो गया है, अभी तो एयर नहीं निकली, अभी इसमें भी थोड़ा बहुत आएगा तो एयर निकलेगी। अभी इसको कल गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, आज तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो अपना रेजिन है उसको चिपकने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगने चाहिए। ये होता है, लोग कहते हैं कि DIY आराम से हो जाता है, भाई साहब मैं करीब 6 बजे से लगा हूँ, 6 बजे से लगा हूँ, अभी 7-8 बज रहे हैं, 2 घंटे का टाइम लगा। यही पे आपको किसी को 200-300 रुपये देते तो काम हो जाता है। खैर अपना सेटिस्फेक्शन सबसे बेटर होता है। एक चीज़ और है,
कि ये जो काम किया है इसमें जितने भी रिंचेस आपने यूज किया है और साथ में वाटर, वो आपको साथ में रखना है। इमरजेंसी में मान लीजिए आपको ये थर्मोस्टेट सूट नहीं करता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप गाड़ी खड़ी करके वहीं पे इसको बदल सकते हो। रेजिन भी आप रख लेना, ये सबसे अच्छी बात है। तो ठीक है, अभी कल इसको टेस्ट करेंगे। अभी कहीं से लीकेज नहीं है, हल्का सा इससे लीकेज था तो उसको मैंने टाइट कर दिया है। अभी गाड़ी गर्म हुई थी। और हाँ, अब अंतिम में हो तो आप अंतिम में आपको बता दूंगा जो जो अंतिम में देख रहे हैं। देखिए, आप होस पाइप तो खोल लेंगे पर इन क्लैंप को अच्छी तरह से टाइट करने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से। तो उससे अच्छा है कि आप 20 रुपये का ख़रीद ले, 10-20 रुपये जहाँ पर जैसी रेट हो उस हिसाब से ख़रीद ले। मैंने ऑलरेडी इसमें चाहिए कुल पानी उतना डाल दिया है। और हाँ, और थोड़ा बहुत मैंने इसको भी रिज़र्व को फुल कर दिया है कि मान लीजिए ज़रूरत पड़े तो इससे निकल आए। इमरजेंसी में आपको जितने भी इसमें आपने काम किए, चाहे वो एनाबोंड हो, चाहे वो आपका रिंच हो 10 नंबर की रिंच हो, चाहे ये होस क्लैंप के लिए इनको खोलने की रिंच हो, इसको अगर आप खुद कर रहे हैं तो प्रिकॉशन के लिए इनको गाड़ी में रखे रहिए। मान लीजिए इमरजेंसी में आपको ऐसा होता है कि नहीं, आपका ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, गाड़ी ओवर हीट हो रही है, तो फिर आप इसको खोल के तुरंत निकाल के फिर से लगा सकते हैं। और पानी भी रखना है, पानी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं रखना, पानी तो रखना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आप बनाए रहो, कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। और हाँ, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को हमेशा देखते रहिए, खासकर जब ऐसे आप थर्मोस्टेट बल्ब लगा रहे हैं या आपकी गाड़ी में ऑलरेडी है तो हमेशा देखते रहिए। आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई, 5-6-7-7 साल पुरानी हो गई तो थोड़ा सा देखते रहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आप पे है, जिन्होंने किया है धन्यवाद।